हेलो गाइस नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अभी वीडियो देख रहे वीडियो बनाने के लिए प्रोफेशनल का वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखा था सब। वीडियो का स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक लिखे तो वीडियो को लाइक कर देगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल दबा दे ताकि इस तरह वीडियो डालते आपको नोटिफिकेशन मिल रहे। और जितना सारा मटेरियल हम यूज किया है आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको डाउनलोड कर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास करते हैं। बिना इंट्रो कैनवास को ओपन करना है, ओपन करने क्रिएट नाउ जो बटन दे प्लस आइकन, इस पर क्लिक करके 60.9 रेसियो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन दे दिया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन है, आपको सिर्फ डाउनलोडिंग फाइल पर क्लिक कर देना है। यहाँ से डाउनलोडिंग फाइल पर हम क्लिक करते हैं, इसमें जितना सारा मटेरियल हम यूज किए हैं सारा चीज क्या लेंगे वो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से बैकग्राउंड जो वीडियो है हम यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको बैकग्राउंड वीडियो किस जगह पर सेलेक्ट करना है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। जो कि सेकंड चैनल का लिंक मिलेगा उस पर जाना है और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने तो क्या करना, आपको यहाँ से लेयर का ऑप्शन देखिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना। ठीक है, जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाए तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज आपको बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए जो बैकग्राउंड नेचुरल वाला जो पीएनजी में इसको यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको साथ क्या करना, आपको सबसे पहले क्रॉपिंग करना होगा। ठीक है, पहले इसको लेयर को बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने में क्या करना, आपको यहाँ से क्रॉपिंग करना होगा। क्रॉपिंग करने के लिए क्रॉपिंग आके क्लिक करिए और इसको इस तरह से आपको थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करके यहाँ से स्विच को ऑन करना, फिल्टर को यहाँ से अप्लाई कर देना। ठीक है, अप्लाई करने में क्या करना, इसको साइज को इस तरह से बढ़ाना है तो इसको बढ़ा लेना आपको इस तरह से, और बढ़ाने में क्या आप यहाँ से ओके कर देना। ठीक है, यहाँ से ओके कर देना, इसमें और कुछ नहीं करना है। और सिंपली आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। जैसे डाउनलोडिंग फाइल में जाइएगा तो उसमें क्या करना, आपको इस जगह मेरे पास खंभा वाला जो पीएनजी है इसको यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको क्या करेंगे, हम इसको बीच पोजिशन में पूरा लगाएंगे। ठीक है, इसको दिख लीजिए पूरा बीच पोजिशन आपको यहाँ पर इस जगह पर लगाना लगल होना चाहिए। इसको पूरा बीच पोजिशन यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है। लेयर को पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा, लेयर को पूरा लास्ट तक करने के नीचे जाना है। क्रॉपिंग क्लिक स्विच करके यहाँ से फिल्टर को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो फिल्टर को अप्लाई कर देना यहाँ से 50% तक और यहाँ से ओके कर देना है। और इसके अंदर एक एनिमेशन डालना है जो कि सबसे नीचे जाना है और यहाँ से इस वाला इंटर सेलेक्ट यो वाला जो ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको रेशियो को 2 सेकंड कर देना। ठीक है, इसको हम 2 सेकंड कर देते हैं। 2 सेकंड करना, फिर से इसी पोजिशन पर रहिए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, फिर से आपको डाउनलोड फाइल में चल जाना है। डाउनलोड फाइल में जाने मेरे पास एक फ्लावर वाला जो पीएनजी में देखिए इसको यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लीजिए। इसको साइज को थोड़ा छोटा करना। ठीक है, छोटा करके इसको पूरा बीच पोजिशन में लगा के इसको हम इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है, इसको साइज को और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इस जगह पर इस तरह से आपको लगा देना। ठीक है, इससे जैसे लगा दीजिएगा उसको सेम उसी पोजिशन में इसी तरह रहने देना, इसमें कुछ नहीं करना। इस पर क्या, इसमें देखिए एनिमेशन डालना चाहते हैं डाल सकते, इसको छोड़ देना। इसमें एनिमेशन डालना तो फिर इसी एनिमेशन को आपको इसको यूज कर लेना, इसको रेशियो को 1 सेकंड ही रहने देना। ठीक है, जैसे 1 सेकंड रहने दीजिए, उसके बाद क्या करना, आपको फिर से आपको देखिए लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल जाना। ठीक है, डाउनलोड फाइल इस जगह में 2 वीडियो इफेक्ट को हम यूज करेंगे, तो आपको दोनों को यूज करना चाहते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर लीजिए। इसको क्या करना, पहले कर देंगे रोटेट। ठीक है, रोटेट करना है, इसको साइज पूरा बड़ा करना है और इसको इस पोजिशन पर यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, इसको साइज को और बड़ा कर लेते हैं और इसको क्या करेंगे, 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसको सेंड टू बैक कर देंगे और सबसे नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रीन पर आपको सेट कर देना। सेट करना है, फिर से आपको 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, फिर से आपको उसको डुप्लीकेट कर लेना है, उसके सबसे नीचे आना है और यहाँ देखिए मोबाइल फोन का जो आइकन देखिए इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके फिर से आपको 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको भी सेंड टू बैक कर देना। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसी तरह से कर देना है। करने बाद क्या करना, आपको फिर से आपको लेयर क्लिक करना होगा, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल जाना। ठीक है, उसके बाद मेरे पास देखिए एक और फ्लावर इफेक्ट वाला जो वीडियो है इसको यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो ब्लू स्क्रीन वाला आपको इसको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। इसको क्या करेंगे, इसको रोटेट कर देना, रोटेट करने का साइज पूरा बड़ा करना है, बड़ा करके इसको हम इस पोजिशन पर ले आएंगे और सबसे नीचे आएंगे, क्रोमा किंग का ऑप्शन क्लिक करेंगे, स्विच को ऑन कर देना। ऑन करना है, ऊपर जो फिल्टर है उसको आपको पूरा 50% और नीचे वाला को भी 50% करके 3 डॉट का ऑप्शन क्लिक करना, इसको सेंड टू बैक कर देना। ठीक है, इसको हम बैक कर देते हैं, आपको इस तरह से बैक करना देखते कर देना, बेहतरीन तरीके से हो चुका है। इसमें सिंपली इसी तरह से करने बाद क्या करना है, फिर से वीडियो को फर्स्ट माना। ठीक है, फर्स्ट माइए, उसका लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। फिर से डाउनलोड फाइल में जाइए, उसका देखिए मेरे पास देखिए फ्रेम के अंदर एक लड़की का इमेज को लगाए हुए। ठीक है, इस जगह आप अपना इमेज भी यूज कर सकते हैं, किसी दोस्त किसी फ्रेंड का भी इमेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस जगह इस तरह से लगा दिए हैं और इसको हम इस जगह पूरा बीच परफेक्ट तरीके से इसको बीच में यहाँ पर बैठा देंगे। ठीक है, तो आपको पूरा बीच में इस तरह से बैठा देना है और बैठाने में क्या करना, इसको साइज थोड़ा सा और छोटा कर दे। ठीक है, चलिए इतना सही है, और इसको पूरा बीच में इस तरह से कर देना। ठीक है, बीच में करने में क्या करना, वीडियो को इसको फर्स्ट में आइए, चाबी का आइकन देखिए इस पर आपको क्लिक करना, क्लिक करके आपको यहाँ पर 5 सेकंड तक स्क्रॉल करना। ठीक है, इसको
हम 5 सेकंड तक स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करना है तो प्लस का कहते हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना है इसको, इमेज को फर्स्ट मार देना, ठीक है। फर्स्ट मारिए और फर्स्ट मार इसको घिस कर हम इस तरफ कर लेंगे, आपको भी इस तरफ कर लेना है। उसका थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है और फिर से चाबी का आइकन पर क्लिक करिए और फिर से इस इमेज को क्या करना है, क्लिक करना है और इसको हम इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। लेफ्ट से इसको राइट में कर लेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह का जो वीडियो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अभी जो और वीडियो दोनों जो सेलेक्ट किए हैं इसके अंदर म्यूजिक आपको म्यूट कर देना है, ठीक है। इसको म्यूजिक हम म्यूट कर देते हैं, इसके अंदर जो आप इसके अंदर गाना लगा हुआ है जिसको यहाँ से म्यूट कर देते हैं। और म्यूट करना है तो क्या करना है, वीडियो को ध्यान दीजिए ताकि परफेक्ट कैसे वीडियो बन पाएगा। आप क्या करना, आपको यहाँ पर 6 सेकंड पा जाना, ठीक है। 6 सेकंड पा जाइए, 6 सेकंड पर आने बाद क्या करना, आपको लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोडिंग फाइल चल जाना है। और देखिए इस जगह मेरे पास फोटो फ्रेम है, इसको यहाँ इस जगह पर यूज करेंगे तो आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको सबसे पहले लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेंगे और इसको साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा करना है और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है। और इस जगह पर लगाने में तो क्या करना है, आपको इसको थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ देखिए मोबाइल फोन का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है जो कि आपको जो फ्रेम है रोटेट हो जाएगा, ठीक है। रोटेट होने के बाद क्या करना है, आपको इसको हम इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना, देख सकते कितना बेहतरीन तरीके से लग रहा है। अब क्या करना है, इसके दोनों के अंदर एनिमेशन डाल देना, सबसे नीचे जाना है, इसी जो स्लाइड इंटर स्लाइड ये वाला जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको रेशियो का आपको 1.5 कर देना है। उसका नीचे वाला आपको सेलेक्ट कर, इसके अंदर भी वही एनिमेशन को आपको यूज कर लेना है, इसको भी रेशियो को 1.5 कर देना, ठीक है। 1.5 करने के बाद आपको यहाँ से इसका 8 सेकंड में चल जाएगी, ठीक है। जैसे 8 सेकंड पर आइएगा तो क्या करना, आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल जाना। मेरे पास इस दो लड़की का हम इस जगह पर यूज करेंगे, आपको आप अपना इमेज यूज कर सकते हैं या किसी दोस्त किसी फ्रेंड का भी इमेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लड़के का इमेज को सेलेक्ट करते हैं और उसको हम क्या करेंगे, इसको साइज को थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा करना है और छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएंगे, आपको इस जगह पर इस तरह से लगा देना है और नीचे जाना है, क्रॉपिंग आइकन पर क्लिक करना होगा और स्विच ऑन करके फिल्टर को पूरा 50% अप्लाई कर देना है। इसको थोड़ा सा हम क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। आपको भी क्रॉप कर लेना है और क्रॉप नीचे भी थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, आपको भी इसे क्रॉप कर लेना है, ओके कर देना, ठीक है। ओके करना, इसके अंदर भी एनिमेशन डालना है जो कि पॉप वाला एनिमेशन डालकर यहाँ से रेशियो को 2 सेकंड कर देना, ठीक है। इसको हम 2 सेकंड कर देते हैं और फिर से इस इमेज पर क्लिक करना है, इस इमेज को फर्स्ट माना है, फिर से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल जाना है। मेरे पास एक लड़की का इमेज और है, उसको भी यहाँ से इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा और उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना इस जगह अपना इमेज भी लगा सकते, ठीक है। इसको साइज कम क्या करें, छोटा करेंगे, आपको भी छोटा कर लेना है। छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगा देंगे, आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है। लगाने में क्रॉपिंग आइकन पर क्लिक करना है, स्विच ऑन करना है, फिल्टर को पूरा यहाँ से 30% तक अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके हम थोड़ा सा इसको और क्रॉप कर लेंगे, क्रॉप करके क्या करें, ओके कर देना। ओके, इसके अंदर एनिमेशन डालना है जो कि पॉप वाला एनिमेशन को सेलेक्ट करिए, रेशियो को आपको 2 सेकंड कर देना, ठीक है। 2 सेकंड कर दीजिए, 2 सेकंड करने में क्या करना है, थोड़ा सा और स्क्रॉप कर लीजिए, थोड़ा सा और स्क्रॉप करना है, क्या करना है, आपको यहाँ से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल देना है। मेरे पास देखिए यहाँ पर एक देखिए वाटर वाला इफेक्ट वाला जो PNG में है, इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, सबको डाउनलोड कर लिया। इसको साइज को पूरा छोटा करना है और इसको हम इस पोजीशन पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आपको भी इस जगह पर इससे लगा देना है और उसके अंदर एनिमेशन डालना, एनिमेशन डालने का आपको ओवर एनिमेशन का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करना है। फ्लोटिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिए, फिर से लेयर क्लिक करिए, मीडिया आप क्लिक करिए, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल देना। मेरे पास एक और वाटर PNG इमेज है, इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। जो इस वाटर PNG इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, इसको साइज को क्या करना, पूरा छोटा कर देना है, इसको भी पूरा छोटा कर देना है और इसको भी हम इस जगह पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है और ओवर एनिमेशन आपको क्लिक करना है, फ्लोटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको क्लिक कर देना, ठीक है। और इस इमेज को क्लिक करिए, थोड़ा सा इसको खींच लेना है इस तरफ, ठीक है। थोड़ा सा खींच लीजिए, देखिए कुछ इस तरह का आपका जो इमेज है बनकर तैयार हो जाएगा, देख सकते कहते हैं बेहतरीन तरीके से लग रहा है जो इफेक्ट। अब क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट माना, ठीक है। वीडियो को पूरा फर्स्ट मानिए, लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल जाना है। और सॉरी, डाउनलोड फाइल में नहीं जाना था, ठीक है। जो हम जो पोल वाला जो खंभा वाला जो PNG में यूज किया है, इसका डुप्लीकेट कर लेंगे, थ्री डॉट का उसमें क्लिक करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डुप्लीकेट इसको साइज पूरा बड़ा करना, ठीक है। इससे हम पूरा बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके हम इसको इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। तो आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है, देख लीजिए आपको इस तरह लगा देना है। उसको थ्री डॉट का उसमें क्लिक करिए, डुप्लीकेट कर लीजिए और डुप्लीकेट करके हम इसको इस तरफ लगा देंगे, ठीक है। आपको भी इस जगह इस तरफ लगा देना है और लगाना है क्या करना है, इसके अंदर जो एनिमेशन डाले थे उस एनिमेशन को यहाँ पर नॉन पर क्लिक कर देना, ठीक है। एनिमेशन को यहाँ से इसको हटा देना है और इसको भी एनिमेशन को यहाँ पर हटा देना, ठीक है। एनिमेशन को हटा दिए, फिर से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल देना है। और मेरे पास देखिए नेचुरल फ्लावर वाला जो PNG में है, यहाँ से आपको ले लेना, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिए। इसको हम इस जगह से साइज को बड़ा करेंगे, लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेंगे, लेयर को पूरा लास्ट तक करने के उसको साइज को थोड़ा नीचे करेंगे और उसको इस जगह पर इस तरह लगा देंगे। आपको भी लगा देना है, उसका फिर से लेयर क्लिक करना है, मीडिया क्लिक करना है, फिर से आपको डाउनलोड फाइल चल देना है। और देखिए मेरे पास एक नेचुरल वाला जो PNG में, इसको यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, इसको हम इस पोजीशन पर ले आएंगे और इसको इस जगह पर लगा देंगे और उसका लेयर को पूरा लास्ट तक कर लेना है।
इसको चाबी का आइकन देखकर इस पर आपको क्लिक करना है। इसको लास्ट में क्या करना है, यहाँ से प्लस का आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए और इसको बीच पोजीशन में चलाना है, ठीक है। बीच पोजीशन में है 14 सेकंड पर चलाइए, इसको 14 सेकंड पर आने में इसको घींच लेना है। इसको घींच कर हम इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको भी इस तरफ कर लेना है और इस तरफ करके यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। और खंभा वाला जो पीएनजी में इसको क्या करेंगे, फ्रंट कर देंगे। आपको भी इससे फ्रंट कर देना है और सेकंड वाला खंभा को भी इसको फ्रंट कर देना है और इसको फ्लावर वाला को भी यहाँ क्या करेंगे, फ्रंट कर देंगे, ठीक है। तो आपको भी सब फ्रंट कर देना है। फ्रंट का इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से इस पोजीशन पर चलाइए, फर्स्ट में लेयर क्लिक करिए, मीडिया क्लिक करिए और सॉरी यहाँ पर लेयर क्लिक करना था और यहाँ से स्टिकर क्लिक करिए और नीचे जाए तो फ्लोडिंग का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो फ्लावर वाला हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे। लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, ठीक है। लेयर को पूरा लास्ट तक इसको साइज के बाद छोटा करेंगे, छोटा करके क्या इसको हम इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है। उसका थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करके हम इसको इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। इसको लेफ्ट से इसको राइट में कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर एडजस्ट करना है। अब क्या करना है, इसके अंदर एडियो लगाना है। एडियो लगाएंगे तो एडियो का ऑप्शन क्लिक करिए, आपको यहाँ से एल्बम चल जाना है। और देखिए मेरे पास जो हम एडियो यूज करेंगे, इस एडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है सबको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ सब प्लस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं एडियो यहाँ पर एड हो जाएगा। उसका वीडियो को हम प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, ठीक है। तो आप देख सकते कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन तरह से वीडियो बन चुका है। वीडियो अच्छा था, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और साथ। धन्यवाद।